और YouTube पे जितने भी आप इस्लामिक रिएक्शन वाले चैनल्स देखोगे, जो भी देखोगे ना, सारे के सारे पैसों के लिए, व्यूज के लिए ही वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज इस्लामिक पब्लिक, मुस्लिम पब्लिक इज द लॉयल पब्लिक इन द वर्ल्ड। आप मेरी बात सुन ली, सुनी बात, लॉयल फ्रेंड्स है। आप भी अगर मेरे लॉयल फ्रेंड्स हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट करो, ठीक है? और रोज मेरी वीडियोस देखा करो, आप भी लॉयल फ्रेंड हो मेरे। हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज सईद हामिद एंड यू आर वाचिंग मिस्टर नानो। गाइस, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुअज्जज आदमी के बारे में जो कि इसने रिसेंटली इस्लाम कबूल कर लिया। वो कैसे? इसने रिएक्शन वीडियोस बना के इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस थी, उस पर रिएक्शन देता था, जो कि इसका नाम है, आप ऑलरेडी शायद जानते होंगे, रिवर्ट मुस्लिम के एक इसके चैनल का नाम है और इसने रिसेंटली इस्लाम कबूल कर लिया है। तो इसकी जर्नी को हम जानेंगे। इसने वीडियो डाली हुई है अपनी चैनल पर, जो कि इसके वीडियो का ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने रखा हुआ है, आप लोग इसकी चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो और इसकी वीडियो को भी देख सकते हो। और आज हम उसकी वीडियो पर रिएक्शन देंगे कि इसने किस तरह से इस्लाम कबूल कर लिया और किस तरह से इसने मेहनत की और किस तरह से इसने सोचा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलाम अलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो वीडियो का टॉपिक, माशाल्लाह से इसने पहले से कलमा पढ़ लिया और बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा है, तो इसकी वीडियो पूरा देखते हैं ना कि क्या सीन है और क्या नहीं है। ये इसका ओरिजिनल चैनल है, रिवर्ट मुस्लिम इसका नाम है चैनल का, आप लोग इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है ना, इस टॉपिक के ऊपर तो मतलब 2 साल से लोग वेट कर रहे हैं। वेरी वेरी श्योर का भाई आज आपके लिए फॉर श्योर इस चीज़ का खुलासा जरूर कर देगा। मैंने पहले भी सोचा था इस चीज़ का खुलासा करने का, बट नहीं कर पाया, बट इंशाल्लाह आज ये वीडियो में आपको फुल ऑन क्लियर हो जाएगा हर चीज के बारे में कि मेरा मजहब क्या है। भाई सारे लोग यही पूछते हैं, भाई आपका मजहब क्या है, आप इस्लामिक वीडियो बनाते हो, आपका नाम परमजोत सिंह है, एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार इसका नाम परम सिंह था। ये इसका नाम जो इस्लाम कबूल करने से पहले इसका नाम परम सिंह था। इस्लामिक वीडियो आप इसलिए बनाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ व्यूज, एंड मैं अगर आपको सच बताऊँ ना, हमने इस्लामिक वीडियोस बनाना स्टार्ट ही व्यूज के लिए किया था, स्टार्ट ही पैसों के लिए किया था। एग्जैक्टली, ये अक्सर जो आप लोग रिएक्शन चैनल देखते हो ना इंडिया के, वो ज़्यादातर इस्लामिक वीडियोस की जो क्लिप्स होती है ना उस पर रिएक्शन देते हैं। आप और भी सुने मैं सच कह रहा हूँ, और YouTube पे जितने भी आप इस्लामिक रिएक्शन वाले चैनल्स देखोगे, जो भी देखोगे ना, सारे के सारे पैसों के लिए, व्यूज के लिए ही वीडियोस बनाते हैं, बिकॉज इस्लामिक पब्लिक, मुस्लिम पब्लिक इज द लॉयल पब्लिक इन द वर्ल्ड। आप मेरी बात सुन ली, सुनी बात, लॉयल फ्रेंड्स है। आप भी अगर मेरे लॉयल फ्रेंड्स हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारा सा कमेंट करो, ठीक है? और रोज मेरी वीडियोस देखा करो, आप भी लॉयल फ्रेंड हो मेरे। जस्ट अ जॉक, पब्लिक आएगी दौड़ के, भाग के आएगी यूट्यूब पे और वीडियोस देखेगी आपकी, बिल्कुल सही बात है। और चाहे इंस्टाग्राम पे लगा लो, चाहे कहीं पे लगा लो, बट आपको ना इस चीज पे खुशी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वो मुझसे पूछो। आपको खुशी इसलिए होनी चाहिए बिकॉज, क्योंकि चाहे जो नॉन मुस्लिम है, जो यूट्यूबर नॉन मुस्लिम है, वो उसकी जो ऑडियंस है ना, वो भी नॉन मुस्लिम होगी। करेक्ट, अभी जब उसकी ऑडियंस नॉन मुस्लिम होगी तो पैगाम किसका पहुंच रहा है उनके तरफ, अल्लाह का पैगाम। यही तो काम है हमारा। एग्जैक्टली यार, क्या लाइन बोली है इसने, इसको मैं मुअज्जज बंदा ना बोले तो और क्या बोले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला था, उन्होंने यही बोला था ना खुतबे में कि आप हमारा दीन, हमारा जो पैगाम है, अल्लाह का जो पैगाम है, ये आगे फैलाओ, ये आगे बताओ, लोगों को इस चीज के बारे में अवेयरनेस दो। और यही तो वो कर रहे हैं, तो करने दो, क्या टेंशन है। और इससे भला कितने लोगों का हो रहा है। 2 साल से लगातार इस्लाम के बारे में रिसर्च करें, ये हमारा 3rd ईयर है, ठीक है गाइस? आपने सुन लिया, 2 साल से इसने रिसर्च की इस्लाम के ऊपर। 2 साल कम नहीं होते, 2 साल इसमें तकरीबन 1 साल में कितने दिन होते हैं आपको पता है, 365। और 2 साल लगातार वो मेहनत कर रहा था इसके लिए, रिसर्च कर रहा था कि क्या है इस्लाम। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करता था जब लोग कमेंट्स में करते थे ना
इस्लाम कबूल करो, आप इस्लाम कबूल करो। मैं बोलता और एक बात मैं बोलूँ ना, ये मुस्लिम जो हमारे पाकिस्तान में मुस्लिम है ना, ज़्यादातर पाकिस्तान के, वो ज़्यादातर लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं। ये पाकिस्तान में ऐसा नहीं बोल रहे, सऊदी अरब ये लोग इस तरह से नहीं करते कि लोगों को बोलते कि आप इस्लाम में आओ ये वो। जो भी बंदा होगा ना यूट्यूब में जा चाहे वो या वैसे आम बंदा सा हो ना, तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इस्लाम और दीन के लिहाज से ज़्यादा ऊपर है। वो लोगों को बोलते कि आप इस्लाम में आओ, जिस तरह से इसने इस भाई साहब बोले ना, वो बोले कि मुझे लोग कमेंट में बताते थे, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। और सुनते हैं आगे, सुनते हैं ये लोग मुझे सब क्यों बोल रहे हैं एंड लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, मतलब मेरी मर्जी ना, मैं कुछ भी करूँ। दी से कुदसी, आप सबको पता होगा दो तरह की हदीसें होती हैं। दी से कुदसी मतलब जो अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली उनके बंदों के लिए होती है, हमारे लिए इंसानों के लिए। उनकी एक हदीस कुदसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम भी मुझसे प्यार करो भाई। ये जो लाइन है ना, ये लाइन ना मतलब दिल में ऐसे पा देती है, मतलब वाइब्रेशन पैदा कर देती है। यार अल्लाह हमसे प्यार करते हैं तो हम अल्लाह से क्यों नहीं प्यार करते हैं। एंड दूसरी बात ये, अल्लाह ताला उनसे भी प्यार करता है जो अल्लाह को जानते भी नहीं है, जो अल्लाह के बारे में मानते भी नहीं है, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो बुतों की इबादत करते हैं, जो जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, जो दूसरे खुदाओं को मानते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी प्यार करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें भी। एक सेकेंड, मैं एक बहुत, इसने जो बात बोली ना इसके ऊपर मैं एक बात करना चाहता हूँ। आजकल रमज़ान चल रहा है और आप लोगों को पता है लोग रोज़ा रखते हैं लेकिन नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते, सुबह से लेकर शाम तक सो जाते हैं और नमाज का तो कुछ आता पता नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। रोज़ा रखते हो तो नमाज और ये सब चीज़ें क्या करें। आगे सुनते हैं, ये तो एक्स्ट्रा बात है। कह रही है, ए बनी आदम, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है कि भाई आपने इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया, राइट। ये जो वर्ड है ना, इस्लाम कबूल किया है या नहीं किया, इस वर्ड से मैं बहुत भागता था, मैं सच कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती है मैं क्यों भागता हूँ इस चीज़ से, बट मैं बहुत भागता था। मैं किसी को मतलब मैं फेस करने की मेरी हिम्मत नहीं थी भाई, सच कह रहा हूँ, ना ही पेरेंट्स को ना ही किसी और को। बट हमारे दिल में ईमान है, आप सबको दिखता होगा वीडियोस में अगर जब हम बोलते हैं या जो भी करते हैं, बट मैं आपको सच कह रहा हूँ, दिल ने तो मान लिया था बट वो ज़ुबान ने कब माना वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने इस्लाम कबूल किया है, अभी बहुत सारे लोग खुश हो रहे होंगे एंड अगर आप खुश हो रहे हो तो मुझे मुबारकबाद ज़रूर देना। एग्जैक्टली, हम भी होश है, मैं भी मुबारकबाद देता हूँ और आप लोग भी कमेंट में मुबारकबाद दो इनवाइट कर। और मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा या इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और आप ज़रूर जाके इनको प्यार दें और इनको सब्सक्राइब भी कर दें और मुबारकबाद भी दें कमेंट सेक्शन में। एंड एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने इस्लाम कबूल कब किया, और आप थोड़ा सा गेस करो इस चीज़ को, मैं चाहता हूँ कि आप गेस करो, क्योंकि जब इंसान के दिल में ईमान होता है ना, वो इंसान के ना चेहरे पे दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर आप मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे हो यूट्यूब पे, आप नॉलेज ले रहे हो, तो आपको कब ऐसा फील हुआ कि हाँ यार ये बंदे पे ना थोड़ा शक हो रहा है, इसके दिल में क्या ईमान है, ऐसा शक वाली चीज़ आपको कब हुई थी ना, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जानना है कि ये कब हुई थी। और क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ मेरी पूरी स्टोरी कि हाउ आई एक्सेप्टेड इस्लाम और कब किया था एक्सेप्ट और कैसे किया था, एंड ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो कल आएगी फॉर श्योर। बट ये चीज़ आप ज़रूर बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि कब आपको मेरे दिल में ईमान दिखा था, आपको मेरी बातों से ईमान दिखा था। ये मैं ज़रूर वेट करूँगा, आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ने वाला हूँ मैं, ठीक है। यू नो व्हाई आई लव इस्लाम सो मच, बिकॉज आई एम इन लव विद अल्लाह, आई एम इन लव विद रसूल अल्लाह। आप सोचो आजकल की दुनिया में जब लोगों को कोई सलाम ठोके, उनको जी जी करके बुलाए कि इज्जत करें, तो वो लोग ऐसे तन के चलने लग जाते हैं, ऐसे भाई मैं कौन हूँ, पता नहीं मैं महाराजा हो गया, पता नहीं यहाँ का, ये पूरा देश मेरा है, ये पूरी दुनिया मेरी है, मैं ही इसका दाता हूँ, ऐसे करते हैं लोग। बट हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको फरिश्ते तक
ऐसे मतलब उनको सलाम ठोकते थे, मतलब आप सोचो फरिश्ते रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम ठोकते थे, बट रसूल अल्लाह फिर भी अपने कंधे झुका के चलते थे, डाउन टू अर्थ थे, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते थे। मतलब आप उनकी ज़िंदगी देखो यार, उनकी ज़िंदगी से कितना कुछ सीखने मिलता है, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ इबादत गुजार, एज अ बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, एज अ बेस्ट अखलाक। भाई क्या नहीं था उनमें, भाई क्या नहीं था, आप एक चीज़ का नाम लो वो उनमें था। ही इज़ द रोल मॉडल। एंड आजकल अगर हर एक इंसान उनकी बताई हुई चीज़ों के ऊपर अमल करके चले, अपनी ज़िंदगी गुजारे, भाई भाई भाई, इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन, इट्स नॉट अ रिलीजन, इट्स द वे ऑफ लाइफ। लाइफ जीने का द बेस्ट तरीका आपको इस्लाम से पता चलता है और कहीं से पता नहीं चलता। लोग बोलते हैं यार कि इस्लाम में बहुत कट्टरपंथी है, पांच टाइम नमाज पढ़नी पड़ती है। यार मैंने पांच टाइम नमाज पढ़ता हूँ डेली, अल्हम्दुलिल्लाह पांच टाइम नमाज पढ़ता हूँ, और नमाज पढ़ने से मैं कितने सारे गुनाहों से बचा हूँ मुझे पता है, मुझे पता है भाई कितने सारे गुनाहों से मैं बचा हूँ। और उसके साथ साथ इस्लाम में सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, सामने वाले को अच्छे से उससे बात करना, अच्छा अखलाक रखना, उसका दिल नहीं दुखाना। एक बात मैं बोलूं, ये जो बोल रहे ना अभी अभी, इसमें भी इसका रिस्पेक्ट है, बोलने की स्टाइल में भी रिस्पेक्ट है। तो इस्लाम ने इन पर माशाल्लाह से इतना असर किया है ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। आप लोग भी ज़रूर पांच वक्त की नमाज पढ़ना, बहुत बहुत मज़ा आएगा, आप लोग सुकून मिलेगा। ना ये भी अपने दिमाग में रखना, और अगर गलती से कोई गुनाह हो भी गया तो अपने दिमाग पे इतना वजन रहता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। भाई इतना ज़्यादा वो हो गया हूँ मैं 360 डिग्री चेंज हो गया हूँ। एंड यस, मैंने इस्लाम कबूल किया है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैंने इस्लाम कबूल किया है यस आई एम मुस्लिम। एंड अभी अगर आपको ये जानना है कि मैंने कब किया और कब से, तो ये एक थोड़ी सी अच्छी स्टोरी है, मतलब ये आपको ऐसे इत्मीनान से बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। एंड उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा सब्र करें कल तक, नहीं तो परसों तक, ठीक है जी। आपके लिए वीडियो ज़रूर आएगी, और ये वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। बाहर थे इसीलिए मेरे को लगा टाइम पे घर पे पहुंच जाएंगे। एंड इफ्तार हो चुकी है, मैंने पानी से इफ्तार किया है, खजूर से नहीं किया, सुन्नत है ना, घर पे जाके ठोकेंगे अभी पूरा अच्छे से खाएंगे। अपनी दुआओं में याद रखना, अच्छी अच्छी दुआएं देना कमेंट सेक्शन में, और हमें ऐसे ही प्यार देते रहें, हमें दुआएं देते रहें, और आपके लिए भी हम दुआ करेंगे। आपको बहुत सारा प्यार होता है, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे को जब लोग कॉल भी करते हैं ना काम के लिए भी, तो वो लोग इतना प्यार से बात करते हैं और इतना प्यार देते हैं जिसकी कोई हद नहीं, सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। एंड गाइस, ये बहुत इमोशनल स्टोरी थी, बहुत ज़्यादा, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को रिव्यू भी बता दिया। तो माशाल्लाह से भाई साहब ने तो इस्लाम कबूल कर लिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और ज़बरदस्त लगी हो, और ऐसी इसकी अगली वीडियो जो कि इसने बताया, अगर उस पर रिएक्शन लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता दिए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय।